नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बजट फ़ोन की जो आपको 22,000 या 25,000 रुपए के फ़ोन के अंदर जो फीचर मिल पाते हैं वो आपको मिल पाएंगे सिर्फ 7,000 रुपए के फ़ोन के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरे को पक्का पता है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए देखते हैं क्या क्या फीचर हमें इस फोन के अंदर ऑफर कर पाते हैं, कौन सी ब्रांड का ये फोन है, क्या प्राइस इसकी रहेगी और कब से ये मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा और किस तरीके से हम इसे खरीद सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फोन का नाम बता देता हूं। फोन है इन्फिनिक्स ब्रांड का स्टार 3 प्लस जो कि लॉन्च होने वाला है, जिसकी प्राइस रहेगी 7,000 रुपए यानी 6,999 रुपए यानी तकरीबन 7,000 रुपए हम इसे मान सकते हैं। इस फोन का जो हाईलाइट है वो ये है कि इस फोन के अंदर हमें मिल पाएगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। जी हाँ, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर मिल पाएगा। तो चलिए फोन के स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फोन के अंदर जो है हमें फ्रंट के अंदर यदि बात करें तो इसकी 6.21 इंच की जो है इसकी डिस्प्ले रहेगी, फुल HD प्लस डिस्प्ले है जो कि हमें मिलती है वाटरड्रॉप नोच के साथ। और इसके यदि बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा हमें मिल पाता है 8 मेगापिक्सल का स्क्रीन लाइट फ्लैश के साथ, तो जो कि इस बजट के अंदर मेरे को लगता है कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है वो सफिशियंट है, बजट को जस्टिफाई करता है पूरा। और यदि हम बात करें इस फोन के और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये फोन हमें मिलता है भैया एक ही वेरिएंट इसका, मेमोरी वेरिएंट इसका अवेलेबल है और ये फोन हमें 30 अप्रैल से जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। 30 अप्रैल से हम इस फोन को फ्लिपकार्ट के ऊपर खरीद सकते हैं। ये फोन जो है वो दो कलर वेरिएंट के साथ आता है, जिसके अंदर मिडनाइट ब्लैक और सैफ्रन साइन कलर जो है, नाम भी अटपटा है, सेफारियन, आप समझ गए होंगे, आप फोटो देख सकते हैं, इसके वीडियो के अंदर आपको फोटो मिल जाएगी। और इसकी यदि बात करें तो इसके अंदर एक साइड में हमें पावर बटन और वॉल्यूम ब्रेक बटन मिलेंगे। और यदि बात करें इसके हम तो ये आधारित है एंड्रॉयड पाई का अपडेट इसके अंदर आपको, सॉरी एंड्रॉयड पाई जो है उसके अंदर है, तो मतलब कि अपडेट की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। ये रन करने वाला है XOS 5.0 वर्जन पे। और इसकी यदि बैटरी की बात करें तो हमें इसके अंदर बताते हैं भैया 3500 mAh की बैटरी मिलती है, कोई छोटी मोटी बैटरी नहीं है। और यदि बात करें इसकी बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की तो हमें इसके अंदर मिल पाता है 99.59% जो है इसका रेशियो है। इसके ग्लास की यदि बात करें तो 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन हमें मिल पाती है इसके अंदर, हमें मिल पाता है। प्रोसेसर की यदि बात करें तो 2 GHz का हीलियो A22 प्रोसेसर हमें मिल पाता है, क्वाड कोर प्रोसेसर। तो भैया और प्रोसेसर के साथ इसके अंदर IMG पावर VR GPU भी दिया गया, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन के अनुसार, इस बजट में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी, इससे अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता। इसके यदि बात करें तो इसके अंदर हमें 2 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ये फोन हमें मिल पाता है। रैम थोड़ी सी इसकी कम दी है मेरे ख्याल से, इसका यदि कैमरा एक कम करके रैम बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। 256 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं आप मेमोरी कार्ड लगा के, इसके अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी आपको मिल जाता है। और यदि बात करें इसके रियर पैनल की तो रियर पैनल पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इसके अंदर हमें 1.8 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर मिलता है, 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा सेंसर मिलता है। लो लाइट फोटो आप आराम से खींच पाएंगे। और जो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, यदि उससे आप फोटो क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ब्यूटी मोड वगैरह जैसे फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। तो भैया मेरे को लगता है इसके अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक भी इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है, माइक्रो USB पोर्ट के साथ ये रहेगा। तो मेरे को लगता है इससे अच्छा इस बजट के अंदर फोन कोई नहीं हो सकता। आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के विनती है, जो नीचे दिए गए रेड बटन है उसे प्रेस करके और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे हमें हिम्मत मिलती है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।